कैसा रहा आप लोगों का अगर इस बार? एक्चुअली ये शूट हमने समर में किया, तो उस टाइम शूट सब अच्छा रहा, सुबह से स्टार्ट किया था, लेकिन जो दोपहर का सीन था पूल पे, जो लास्ट में मरने की हमारी मूवमेंट है उसमें, जो हमें 43 डिग्री में हमें लेटाया गया और 15-20 मिनट तक कंटिन्यू हम लेटे हुए थे, और ड्रोन का शूट था, तो ओ माय गॉड, पता नहीं क्या मेरी मतलब कैमरा की तरह ड्रोन की तरह टीम वहां पर खड़ी है, फिर ऐसा कंटिन्यू डामर का रोड, मतलब इतना जलन, वो नंगे पांव में खड़े रहोगे, अब फर्ज करो 40 डिग्री में नंगे पांव, कहां पर हमने शूट किया था? अहमदाबाद में। तो क्या आपकी कैफियत होगी? मैं लिटरली डांस करती हूं पैर से, मतलब वो शिट नंगे पांव, ये बकायदा लिटाया गया सलवार को भी तेरा पतला, इट वाज डायरेक्टली हिटिंग, मतलब कॉम्प्लेक्शन तो हम 3 टोन डार्क हो गए थे, बट वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है, लेकिन बहुत स्ट्रगल के साथ ये मतलब सीन किया और अच्छा आया, मतलब अच्छा आया, इतना मेहनत करने के बाद अच्छा नहीं आता ना तो तकलीफ होती, बट वो अच्छा आया, इनपुट अच्छा आया, सब हैप्पी। वो सीन आप देखोगे ना तो खुद आंसू निकल जाएगा कि दोनों मर जाएंगे, दोनों मोहब्बत के लिए कितना तड़प रहे हैं, सॉन्ग उन्होंने ऑडियो भेजा, 5 मिनट का ऑडियो था, 6 मिनट पे मेरा कॉल फिर गया, मैंने कहा प्लीज राधे जी से कनेक्शन करवाए, एंड राधे जी गाना कोई और नहीं कर रहा, ये गाना मैं ही कर रही हूँ, कब आना है क्या आना है मुझे शूट डेज बता दो, एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग, मतलब सुनते ही एक सेकंड नहीं लगा मुझे डिसाइड करने का, अच्छा मैंने गाना करना है या नहीं करना है, तो इट्स ब्यूटीफुल, और तब रफ ड्राफ्ट था। आप सॉन्ग सुनोगे ना तो सॉन्ग में आपको हर एक मोमेंट पे, हर एक वर्डिंग पे आपको दिल में छूने वाली बात है, मतलब आपको इस 90s का गाना थोड़ा दिल छूने वाला होता था, अच्छी 90s वाला वाइब है इस गाने में, ऑडियो के हवाले से बोलो, वीडियो के हवाले से बोलो, ड्रेसेस के हवाले से बोलो, जो पूरा वाइब है ना, इट्स वेरी यू नो 90s वाला वाइब, इसमें गाने में खुद को ऐसे तसल्ली दे रहा है कि झूठा वाला कर रहा है, मैंने अपने दिल से फुर्सत पा के तुम आओगे जल्दी मुझसे मिलने, मतलब कभी हार नहीं मार रहा है, लेकिन लास्ट में मर जा रहा है तो भी मोहब्बत को पा के मर रहा है। राधे जी और सना, आप दोनों ऐसा कोई एक्टर है जो जिससे इंस्पायर होते हैं एज एन एक्टर? इंस्पायर तो मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस से होती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन, जैसे आई लव प्रियंका चोपड़ा, जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से उनकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, एक्टिंग में आई लाइक आलिया भट्ट, आई थिंक बींग एट सच अ यंग एज डूइंग सच डायनामिक कैरेक्टर्स, सो डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड या दे ऑल इंस्पायर मी फॉर डूइंग बेटर इन लाइफ। राधे जी? मैं बोलना चाहूँगा तो हमारे एक्टिंग के जो मेन पार्ट है नटराज जी, उसको प्रणाम करूँगा पहले तो मैं, फिर हमारे ग्रेटेस्ट सलमान सर, अजय सर सीरियस लुक में, मेन ग्रेटेस्ट अमिताभ बच्चन सर, सबसे मैं इम्प्रेस होके उसके राइट। ऑल्सो गाना रिलीज हो गया है लास्ट वीक।